तरफ जहां यूपी सरकार गरीब लड़कियों की शादी के लिए सामूहिक विवाह का योजना कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ जिले में एक संस्था गरीब लड़कियों की शादी में मदद करके एक अलग पहचान बना रही है। आजमगढ़ जिले के शहर क्षेत्र स्थित नरौली पर अभय महिला सेवा संस्थान से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और सामाजिक सरोकार से जुड़कर एक गरीब लड़की का चयन किया और उसकी शादी की। मदद के लिए आगे कदम बढ़ाते हुए परिजनों को यथासंभव मदद दी। मदद पाकर लड़की के परिजन फूले नहीं समाए और संस्थान के लोगों को जमकर तारीफ की। हमारे घर शादी हमारी लड़की का है, हाँ, और बहुत मदद किए हैं हमारी भाभी है, हाँ, हमारे लिए बहुत भगवान है, बहुत हमारे लिए मदद किए हैं। दूसरी तरफ संस्थान के लोगों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभया महिला सेवा संस्थान गांव में जाकर गरीब लड़कियों की शादी के लिए मदद करने के लिए गरीब परिवारों का चयन करती है और उसकी शादी के लिए मदद को आगे आती है। कहा कि आगे और भी गरीब परिवारों का चयन कर मदद की जाएगी और इसमें गरीब महिलाओं को गांव से लगाए शहर से लगाए, जिसमें गरीब गरीब महिला में भी हो, बच्ची भी हो, शिक्षा से संबंधित हो, उनको रोजगार से संबंधित हो, उनकी जो भी मदद होगी हम लोग पूरा एकदम जिद से ये ठान के उनको की मदद किया जाएगा। और गांव भी इधर पूरे अपने आसपास जितने गांव हैं जा जाके वहां से गरीब महिलाओं को, गरीब बच्चियों को, जहां अन्न की भी परेशानी वो भी पूरा किया जाएगा। सिर्फ हम लोग ये सोच के चला गया है कि जो जहां तक नज़र नहीं जा रही है, क्योंकि गांव की तरफ अक्सर लोग नहीं जा पाते हैं, तो मैं अधिकतम गाँव की तरफ ही जुड़ूंगी, ऑनलाइन का उसका वो करूँगी, उनका आधार, उनका पूरा परिचय पत्र ले कर उनका रजिस्टर करूँगी, देखूँगी कि वाकई वो गरीब हैं। इसके बाद उनका पूरा हम लोग संघर्ष से पूरा मदद किया जाएगा।